उसका नाम गुरुकान, भारत देश में सबसे बड़ा ट्रैक्टर कंपनी का मालिक था वो। एक बार एक कॉन्फ्रेंस में गुरुकान, डियर डायरेक्टर्स, मेंबर्स एंड वेल विशर्स, पिछली बार से इस बार हमारा सेल्स 3 गुना बढ़ा, कहते ही वहाँ पे मौजूद सभी तालियां बजाने लगे। उस दिन शाम को गुरुकान घर पे आते ही उसका बेटा टीवी में गेम्स खेलते हुए दिखा। बेटे के पास आकर गुरुकान, यू इडियट, अभी तक शर्म नहीं आई? कम से कम इंजीनियरिंग में फेल हुआ करके तुझे दुख भी नहीं है? डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग? तू गुरुकान देसाई का बेटा है, भूल मत। आखिर गुरुकान देसाई का बेटा कैसे रहना है मालूम है तुझे? डैडी, मैं इंजीनियरिंग फेल नहीं हुआ, आई जस्ट पास्ड विथ 65%। 65% किस चीज के लिए काम आएगा? हमारे कंपनी में 95% आने वाले को ही जगह नहीं मिलती। आफ्टर ऑल 65% बोले तो एंट्री भी नहीं मिलेगी, जानते हो? हो सकता है डैडी, बट मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने से कॉलेज वाले मुझे बेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अवार्ड दिए, मालूम है आपको? प्रोजेक्ट्स, नॉनसेंस, आई वांट रिजल्ट्स, परसेंटेजेस, मार्क्स। सॉरी डैडी, मार्क्स डजंट रिप्रेजेंट द रियल टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट। वैसे इंजीनियरिंग बोले तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ऐसे मार्क्स और रैंक्स लाना रियल इंजीनियरिंग नहीं है डैडी। इडियट, मुझे ही बोल रहा है, हमारे कंपनी में सेलेक्ट भी तू नहीं होगा, तेरे आए परसेंटेज से हमारे कंपनी में वॉचमैन की नौकरी के लिए भी तू लायक नहीं है, जा, कहकर उसे डांटते हुए चला गया। प्रदीप उन बातों को बुरा माना। अगले दिन प्रदीप खेत की ओर जाते वक्त एक किसान उदास होके बैठा था, तब प्रदीप उसके पास आकर, चाचा क्या हुआ, क्यों उदास है? बेटा मैं एक किसान हूँ, ये देखो ये मेरी जमीन है, इसमें कोई भी फसल डालूं तो नहीं उगता है क्योंकि मेरी बंजर जमीन है। जब भी देखो जमीन सूखा पड़ा रहता है, खेत में पानी डालने पर भी रात ही रात सूख जाता है, हर रोज आके जांचने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। बेटा, चाचा मुझे थोड़ा समय दीजिए, कहकर चला गया। रात भर प्रदीप सोचकर एक सर्किट बोर्ड को तैयार किया। अगले दिन प्रदीप किसान के पास आके, चाचा ये लो, ये एक सेंसर बोर्ड है, ये आपके खेत में रखो, आपके खेत जब भी सूखा पड़ जाएगा तो इसके सेंसर अपने आप ऑन होकर बोरिंग पंप ऑन होंगे। सच में क्या? पर ये काम कैसे करेगा? ये सेंसर आपके जमीन के मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट करके कम होते ही वो अपने आप ऑन होगा, वैसे ऑन होते ही बोरिंग पंप भी अपने आप ऑन हो जाएगा। आपके जमीन को जितना पानी चाहिए उतना देने के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। वैसे प्रदीप उस सेंसर बोर्ड को उस खेत में लगाया, किसान बहुत खुश हुआ। अगले दिन प्रदीप वैसे खेत की ओर जाते समय कुछ किसान एक को पकड़कर पीट रहे थे। प्रदीप तुरंत वहां पे जाकर, रुकिए रुकिए क्या हुआ? देखो साहब, ये हमारे पास पैसे लेकर हमें धोखा दे रहा है। धोखा दिया? वो कैसे? फसल कटाई के समय जेसीबी से पगडंडियां बनाकर पानी सरफरा करते हैं, क्रेन की मदद से पत्थर और एरे गेरे झाड़ियों को उखाड़ कर फेंकते थे। जेसीबी क्रेन्स के लिए एडवांस भी लेकर अब वो किसी और को भाड़े में दे दिया। पैसों की लालच में आकर हमें ऐसा धोखा दिया है, क्या रे शर्म नहीं आई? कहकर गाली देते वक्त वो आदमी, रुके साहब, जहाँ पे मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा वहीं पे भाड़ा देना मेरा धंधा है, मैं सबके जैसा पैसा ज्यादा कमाना चाहता हूँ। ये लो तुम्हारे एडवांस के पैसे, आपको एक प्रणाम है, और कभी इस गांव वालों को जेसीबी, क्रेन्स, रोड रोलर कभी भाड़े में नहीं दूंगा, कहके वो चला गया। तब किसान, अब कैसे रे, जेसीबी क्रेन नहीं होंगे तो हमारे ट्रैक्टर से ये सब कैसे मुमकिन होगा? मुझे एक आइडिया आया, मैं आपके ट्रैक्टर को सुपर ट्रैक्टर में बदलूंगा, कहकर किसान के ट्रैक्टर के सामने एक क्रेन हैंडल लगाया और एक ट्रैक्टर को एक बड़ा रोलर लगाया और एक को जेसीबी लीवर्स फिट किया। तो किसान, अरे बहुत आसानी से हल कर दिया, आज के बाद हमें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, किसी की राह भी देखनी नहीं पड़ेगी, कहके प्रदीप को उठाकर गले में बिठाकर ढोल बजाते हुए पूरे गांव में घूमने लगे। उस साल प्रदीप के पापा गुरुकांत की कंपनी में
क्यों हमारा सेल्स इस बार इतना कम क्यों हो गया है, कहकर बोर्ड मीटिंग में पूछा। उस मीटिंग में एक आदमी, सर हमारे किसान उनके पुराने ट्रैक्टर्स को सुपर ट्रैक्टर में बदल रहे हैं, देखने जाए तो इसे मल्टीपर्पज ट्रैक्टर्स भी बोल सकते हैं, कहा। तो वो बातें सुनकर गुरुकन, क्या मल्टीपर्पज ट्रैक्टर्स, ठीक से बताओ। हाँ सर, ये सुपर ट्रैक्टर्स हैं, ये जेसीबी में बदल जाएगा, क्रेन में भी बदल जाएगा, उतना ही नहीं रोड रोलर में भी बदल जाएगा। वाओ, व्हाट एन इंजीनियरिंग मार्वल, किसने बनाया इसे, आईआईटीएंस या फिर साइंटिस्ट्स, पता नहीं सर। तो तुरंत गो 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 गेट हिम, उस बंदे को हमारे कंपनी में कैसे भी ज्वाइन कराओ, जरूरत पड़ी तो हमारे कंपनी में उसे शेयर्स भी देंगे, कहा। अगले दिन गुरुकांत और उसके बोर्ड मेंबर सारे प्रदीप के लिए इंतजार करते समय प्रदीप अंदर आते ही गुरुकांत आश्चर्य हुआ। तब एक आदमी, हियर इज इंजीनियरिंग मार्वल, हमें भी अभी पता चला है कि ये और कोई नहीं हमारे गुरुकांत सर के बेटे हैं, कहने से सभी वहाँ पे तालियां बजाए। वहाँ पे मौजूद एक आदमी, सर ऐसा बेटा आपको होने के लिए यू शुड बी प्राउड, इन्हें हमारे कंपनी के लिए डिजाइन सेक्शन में बतौर मैनेजर अपॉइंट करेंगे, कहा। बोर्ड डायरेक्टर सभी तालियां बजाने लगे। गुरुकांत तब प्रदीप के पास आकर, माय सन तुमने मेरी आंखें खोल दिया, रियल इंजीनियरिंग मतलब केवल मार्क्स और परसेंटेजेस नहीं होते, जरूरत के समय जो टैलेंट उभर के आती है उसे ही असली टैलेंट कहा जाता है। तुरंत उसके सुपर ट्रैक्टर के पेटेंट राइट्स अपने पिता को दे दिया। एक गांव में चोपड़े नाम का एक व्यक्ति रहता था, वो उस गाँव का मुखिया था। वो घमंडी होने के साथ साथ बातूनी था और शेखी मारता रहता था। वो कुछ भी करता तो गांव वाले सुनते थे। एक बार गांव में चोपड़े लोगों से कुछ बात कर रहा था कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव वहां आया। उसे देखकर चोपड़े, अरे भाई तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। सर मेरा नाम नवीन है, मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स इस गाँव में बेचने के लिए आया हूँ। सर देखो भाई नवीन, तुमने इसे क्या सब्जी मंडी समझ रखा है जहाँ तुम कुछ भी बेच दोगे। हमारे गांव के कुछ कायदे हैं, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मेरे जानकारी के बिना इस गांव में तुम कुछ भी नहीं बेच सकते। अगर इन्हें फिल्म भी देखना हो तो ये मुझसे पूछते हैं कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, जानते हो लोग। हाँ हाँ, कहकर चिल्लाने लगे, पहले तुम अपना प्रोडक्ट मुझे दिखाओ, अगर मुझे पसंद आया तो ही खरीदेंगे लोग। हाँ हाँ, कहने लगे। वाह सर, विराट कोहली की फैन फॉलोइंग की तरह आपकी फैन फॉलोइंग है यहाँ पर। ये लीजिए सर, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये एक मिक्सी है, इसमें कुछ भी डालेंगे तो आटा बनकर पिस जाता है। सारे मिक्सी में 3 लेवल होते हैं पर इसमें 5 लेवल हैं। इसकी कीमत केवल 3,700 रुपए ही है, 6 महीने की गारंटी भी है, EMI फैसिलिटी भी है सर। अरे वाह, तुम अपने मार्केटिंग स्किल से लगता है कि हिंदुस्तान को ही बेच दोगे, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। तुमने कहा ना कि ये किसी भी चीज को पीस देता है, आटा बना देता है, तो इसे वहाँ रखो, मैं टेस्ट करता हूँ। यूं नवीन ने मिक्सी को वहाँ रखा तो चोपड़े ने उसमें पत्थर, लोहे के टुकड़े, बल्ब वगैरह डालकर ऑन किया। बस मिक्सी गड़गड़ गड़गड़ की आवाज करते हुए घूमने लगा। बाद में धमाका हुआ और काला धुआं निकलने लगा। ये क्या सर, आप पत्थर को पीसने के लिए डाल रहे हैं इसमें, ये तो दाल और चावल पीसने के लिए है सर। तुम किसे उल्लू बना रहे हो भाई, तुम्ही ने तो कहा था कि ये किसी भी वस्तु को पीसकर आटा बना देता है। मेरे प्यारे ब्रेनलेस विलेजर्स, ऐसे व्यक्ति की बातों में तुम धोखा ना खाना, जाओ भाई जाओ, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। बेचारा नवीन वहाँ से चला गया। यूं नवीन कोई भी प्रोडक्ट वहाँ ले आता तो उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल कर उसे भगा देता था। एक दिन नवीन, इस चोपड़े की वजह से मेरा सेल्स मार खा रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो मेरी नौकरी जाती रहेगी, इसको सबक नहीं सिखाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा उसने सोचा। बाद में हेयर ड्रायर में आग निकले ऐसा उसने प्रबंध किया। अगले दिन हेयर ड्रायर को लेकर नवीन उस गांव में गया। उसे देखकर चोपड़े, हाँ आओ नवीन आओ, फिर आ गए। अरे भाई तुम्हारी ये दृढ़ संकल्प देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें दृढ़ संकल्प सम्राट की उपाधि देना चाहता हूँ। चलो बताओ इस बार तुम कौन सी बकवास चीज लेकर आए हो, हर बार तुम एक फालतू प्रोडक्ट लाते हो, मैं उसका रिव्यू करता हूँ और तुम चले जाते हो, ये साधारण सी बात हो गई है, अब क्या लाए हो जरा जल्दी दिखाओ। सर ये एक हेयर ड्रायर है,
इसे कोरियन टेक्नोलॉजी से बनाया है। गीले बाल को यह मिनटों में सुखा देता है। मॉडल का नाम है हे राम फायर ड्रायर। अरे वाह, नाम तो बड़ा अनूठा है। देखा लोगो इनकी चालाकी, अच्छे नाम रखकर लोगों को लूटने के चक्कर में रहते हैं ये लोग। अरे कोई आकर मेरे सिर पर जल्दी से पानी डालो, मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज है। एक व्यक्ति ने चोपड़े के सिर पर एक मग से पानी डाला। चोपड़े ने तुरंत ड्रायर को अपने सिर की ओर किया और उसे ऑन किया। बस उसमें से आग निकलने लगी। चोपड़े के बाल को आग लगी और सिर से आग की लपटें निकलने लगी। बाप रे, ये क्या, अरे बालों को आग कैसे लग गया, कहकर चिल्लाने लगा। सॉरी सर, आपने सच कहा था, ये बेकार प्रोडक्ट है। गर्म हवा की बजाय आग निकल रहा है। पर आपने देखा, मॉडल का नाम बिल्कुल सही रखा है सर, हे राम फायर। चोपड़े आग को बुझाने के लिए वहाँ से तेजी से भागा। बाल जलकर गंजा हुए चोपड़े ने उस दिन से नवीन कोई भी प्रोडक्ट बेचने आता तो वो टांग नहीं अड़ाता था। उसका नाम गौतम था, वो एक नंबर का फेकू राम था। उसको ऑनलाइन में शॉपिंग करना बहुत पसंद था। छोटी सी छोटी चीज भी वो ऑनलाइन में खरीदना पसंद करता था। एक बार गौतम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते वक्त उन्हें बहुत प्यास लगी तो वो एक कोल्ड ड्रिंक शॉप के पास गए। उसका एक दोस्त कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करने जब जा रहा था, हे क्या कर रहा है रितु, मैं यहाँ होते तू कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रहा है, सिली फेलो, रुक ऑफर्स कुछ है तो ऑनलाइन में चेक करता हूँ, कहके ऑनलाइन में सर्च करने लगा। तो और एक दोस्त, बगल में कोल्ड ड्रिंक शॉप रख कर ऑनलाइन में ऑर्डर देना क्या है रे, अजीब नहीं लग रहा है, वैसे भी वो टाइम पे नहीं आएगा, किसे मालूम कितना टाइम लगाएगा। जा रे, ऑनलाइन में ऑफर्स हैं, एक खरीदने से दूसरा फ्री है, मेरी बात सुन, ऑनलाइन में बहुत कम दाम में मिल जाएगा, 3 घंटे में डिलीवरी है, बोलो तो ऑर्डर कर दूं, कहा। और एक दोस्त, अरे तुझे अगर चाहिए तो तू ऑर्डर कर, पूरा का पूरा पी जा, हमें मगर छोड़ दे, कह के वो लोग कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करके वहाँ पे पी लिए। और एक बार एक लड़का गौतम के घर आया। गौतम, मेरी शादी तय हुई, कहा। ओए कके, मुबारक है, आखिर कौन है रे वो लड़की, पूछा। अरे वो और कोई नहीं, मेरे रिश्तेदारों की ही लड़की है। अरे यार, आज के जमाने में क्या कोई रिश्तेदारों में शादी करते हैं? ऑनलाइन में देख बहुत सारी लड़कियां तैयार हैं। मुझे अगर पूछता तो एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की तेरे लिए सेलेक्ट करता। यार मुझे बख्श दे, चाहिए तो तू कर ले उस सुंदर सी लड़की से शादी, कहकर वो चला गया। एक बार गौतम नुक्कड़ के पास बैठकर अपने दोस्तों से गप्पे मारते वक्त, अरे आज सूरज का बर्थडे, कहा। कुछ देर में हमें फोन करेगा, बोला, कहा। उतने में सूरज वहां पे आया तो सब लोग हैप्पी बर्थडे कह के चिल्लाने लगे। गौतम मगर उसके शर्ट के और अजीब से घूरने लगा। गौतम, शर्ट अच्छा है रे, कहाँ पे खरीदा, पूछा। बर्थडे गिफ्ट है रे, डैडी ने 2500 रुपए डाल के खरीदा है, कहा। 2500 का है, क्यों रे, ऑनलाइन में सिर्फ 500 रुपए में मिलेगा, कहा। अरे तू और तेरा ऑनलाइन, क्या शर्ट पैंट अंडरवेयर सब कुछ ऑनलाइन में ही खरीदेगा, कहा। सब मैं ऑनलाइन में ही खरीदूंगा, तुम यहाँ 2000 डाल के जो चीज खरीदते हो मैं ऑनलाइन में 1000 रुपए में खरीदता हूँ, तुमको मेरा ऑनलाइन का वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है रे भाई, तेरे सामने बेकार में मैंने ऑनलाइन की बात छेड़ा, कहा। और एक बार गौतम का फ्रेंड जगदीश नुक्कड़ के पास ट्रैक्टर लेके आया। फ्रेंड्स, मेरा नया मिनी ट्रैक्टर कैसा है, महाशक्तिशाली है, कहा। अरे तेरा मिनी ट्रैक्टर तो बहुत अच्छा है रे, इसमें कलर्स भी रहते हैं, ब्लैक कलर होता तो अच्छा होता, कहा। ठीक है रे भाई, ब्लैक कलर ट्रैक्टर भी होते हैं, ये आज मुझे समझ में आया। सिल्ली फेलो, ऑनलाइन में यही ट्रैक्टर रेड ब्लू ब्लैक येलो ऑरेंज कलर में होते हैं, मालूम है तुझे, कहा। पता नहीं तू कौन सा ट्रैक्टर देखा है, ये मैंने 3 लाख रुपए डाल के खरीदा है, कहा। अय्या 3 लाख, कह के जोर जोर से हंस के, ऑनलाइन में इसका दाम 1,20,000 है, तुझे कोई अच्छे से चूना लगाए रे, तभी तो मैं बोलता हूँ ऑनलाइन में खरीद, कहा। क्या 1,20,000, मैं यकीन नहीं करूँगा, तू धोखा खा रहा है या नहीं, पहले तू अपने आप को चेक कर। ऑनलाइन के बारे में तू मुझे ही बोल रहा है, वो 1 डे में डिलीवरी होता है, कल सुबह तक ट्रैक्टर मेरे घर के सामने होगा, देख ले, कहा।
अगले दिन गौतम के घर के पास ट्रैक्टर डिलीवरी हुआ। गौतम ट्रैक्टर की ओर देखकर सुपर, मेरा नया ट्रैक्टर तो लाजवाब है, कहते हुए उस ट्रैक्टर को गौर से जांचते हुए, ये क्या, ये ट्रैक्टर तो बहुत छोटा है, मिनी ट्रैक्टर से भी ये छोटा लग रहा है, सोचकर जांच करने लगा। वो मिनी ट्रैक्टर एक खिलौने का ट्रैक्टर है करके उसे मालूम पड़ा। तभी गौतम के फ्रेंड्स वहाँ पे आए। एक दोस्त, अरे तेरा ट्रैक्टर बढ़िया है रे, पर ये क्या छोटा दिख रहा है। ये भी मिनी ट्रैक्टर है, बहुत पावरफुल ट्रैक्टर है, स्पेशल एडिशन है, कहा। तो कल हमारे खेत में लेके आ, इससे एक बार हल चला के देखेंगे, कहा। उस दिन शाम को गौतम, बाप रे, अगर मैं ट्रैक्टर को लेकर नहीं गया तो पकड़ा जाऊंगा, रात को मैं किसी ना किसी के ट्रैक्टर लेके उसके खेत में हल चला के आ जाऊंगा। सोचकर उस रात बगल वाले के ट्रैक्टर को लेकर दोस्त के खेत में हल चला दिया। अगले दिन सुबह गौतम अपने खिलौने के ट्रैक्टर लेकर दोस्त के खेत में गया। तब सारे दोस्त वहां पे आए। देखा ना रे, मेरा मिनी ट्रैक्टर कैसे हल चलाया, शक्तिशाली है मेरा ट्रैक्टर, कहा। तो जगदीश को डाउट आया। अच्छा, क्या ये मेरे ट्रैक्टर से भी पावरफुल है, पूछा। पहाड़ों के पत्थरों को भी आसानी से खींच लेता है, तेरा कितना है, कहा। ठीक है, देख लेंगे, कहकर जगदीश उसके मिनी ट्रैक्टर से रस्सी बांध के उस रस्सी को गौतम के ट्रैक्टर को बांध दिया। जगदीश गौतम दोनों जाके अपने अपने ट्रैक्टर में बैठ गए। कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। जगदीश एक बार जोर से गौतम के ट्रैक्टर को खींचा तो गौतम के ट्रैक्टर पुर्जे पुर्जे निकल कर उसके पार्ट्स पार्ट्स निकल गए। वो देखकर सभी, अरे ये तो खिलौने का ट्रैक्टर है रे, कह के हंसने लगे। अभी तो समझ के ले, और कभी मुझे ये मालूम है वो मालूम है कह के बढ़ोती मत मार, कहा।